السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وقال الله تبارك وتعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره وقال بعض الحكماء ثلاثة لا يهنأ لصاحبها عيش الحقد والحسد وسوء الخلق انتہائی قابل صد تکریم معزز سامعین گرامی دل کی بیماریوں میں سے ایک بڑی ہی خطرناک بیماری حسد کہلاتی ہے ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید بیماری وہ ہے جس کو ڈاکٹر تجویز کریں لیکن کئی بیماریاں ایسی ہیں جو ہماری روحانیت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں ان میں سے ایک بیماری حسد کرنا ہے اور جو شخص اس بیماری کا شکار ہو جاتا ہے اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اس آدمی کی زندگی خوشیوں سے محروم ہو جاتی ہے اور وہ انتہائی ناخوشگوار زندگی گزارنے پر اپنے آپ کو مجبور کر لیتا ہے اور اسی لیے بعض حکما سیانے لوگ یہ بات کہا کرتے ہیں ثلاثۃ لا یہنأ لصاحبها عیش تین بیماریاں ایسی ہیں اگر وہ کسی آدمی کے اندر پیدا ہو جائیں تو وہ شخص اپنی اس زندگی کی حقیقی جو لطف ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے
वो आदमी खुशगवार जिंदगी बसर नहीं कर सकता। अल हिकदु वल हसदु वसूउल खुलुक, पहली बीमारी जो आदमी के अंदर पैदा हो जाए वो है बुगज। किसी मुसलमान का दिल में बुगज पाल लेना जिंदगी का इत्मीनान, चैन और राहत तबाह कर देता है। वल हसद, दूसरी बीमारी किसी मुसलमान की खुशियों से जलने लग जाना, अपने अंदर हसद पैदा कर लेना। वसूउल खुलुक और बद अखलाकी, लोगों के साथ बुरे अखलाक और बुरे रवैये से पेश आना, ये ऐसी अमराज हैं जो इंसान को हकीकी खुशियों से महरूम कर देते हैं। हसद क्या है, इसकी तारीफ क्या है, हसद की मजम्मत कुरान और सुन्नत में क्या है, इसके दीनी और दुनियावी नुकसानात क्या हैं, हसद और रश्क में फर्क क्या है, इन चंद नुकात के बारे में इंशाल्लाह आज हम बयान करेंगे। इसका बकिया इंशाल्लाह हिस्सा जो है वो आइंदा खुतबा जुमा में बयान किया जाएगा। हसद की तारीफ उलमाए किराम ने जो बयान की है, तमन्नी जवाल निअमती अन साहिबिहा, कोई आदमी किसी मुसलमान के पास कोई भी नेमत देखे और वो नेमत उसको बली ना लगे, उसको अच्छी ना लगे, और वो ये तमन्ना करे कि ये नेमत इस बंदे के पास नहीं होनी चाहिए, इससे ये नेमत छिन जाए। और फिर इसकी आगे दो अकसाम है, या तो हासिद आदमी ये तमन्ना करता है कि इस आदमी से ये नेमत छिन जाए और मुझे मिल जाए, ये नेमत मुझे इसके पास गवारा नहीं है। कभी कभार हासिद आदमी ये तमन्ना करता है कि मुझे चाहे मिले या ना मिले, लेकिन इसके पास ये नेमत नहीं होनी चाहिए। तो जो भी कैफियत हो, जो भी सूरत हो, वो हसद की ही किस्म कहलाएगी। हसद के मद मुकाबिल एक लफ्ज है रश्क करना। हसद शरीयत इस्लामिया में नाजायज और हराम कर दिया गया है, और रश्क करना इस्लाम के अंदर जायज करार दिया गया है। हसद में ये होता है कि इंसान ये ख्वाहिश करे, हासिद ये तमन्ना करे कि इस मुसलमान से ये नेमत छिन जाए, खत्म हो जाए, ये नेमत से महरूम हो जाए। और रश्क के अंदर ये होता है कि इंसान किसी मुसलमान के पास कोई नेमत देखे, उस पर रश्क करे, खुशी का इजहार करे, और अल्लाह के हजूर ये दुआ करे कि इलाहल आलमीन, तूने अपने इस बंदे को अपने खजानों से, अपनी नेमत से नवाजा है, अल्लाह इसकी नेमत इसके पास सलामत रहे, इसमें बरकतें अता फरमा, अल्लाह जैसे तू इसको देने वाला है मुझे भी देने पर कादिर है, अपने खजानों में से मुझे भी अता फरमा दे। ये है रश्क करना, और ये जायज है। और इसकी दलील सही बुखारी की वो रिवायत है, जनाब अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला ने बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला हसद इल्ला फितनतैन, रश्क करना दो चीजों में जायज है। रजुलुन आताहुल्लाहुल कुरान फहुवा यकूमु बिही आना अल-लैल व आना अन-नहार, एक आदमी को अल्लाह ताला ने कुरान की दौलत से माला माल किया है, हाफिज़े कुरान है, आलिम दीन है, और वो कुरान मजीद की किरात करता है नमाजों में, नमाजों के अलावा दिन रात कुरान पढ़ता है, उसको देख के ये रश्क किया जा सकता है कि कितना ही खुशबख्त आदमी कि कुरान के साथ किस कदर लगाव है। ऐ अल्लाह मुझे भी कुरान के साथ मोहब्बत अता फरमा, मुझे भी इसी तरह का हाफिज बना दे कि मैं भी कुरान को दिन रात पढ़ने वाला बन जाऊं।
एक आदमी को अल्लाह ताला ने माल दिया है और वो ना दिन देखता है ना रात देखता है, जहां जरूरत महसूस होती है अल्लाह की राह में माल बेदरेग खर्च करता है। उस आदमी को देख के ये रश्ट किया जा सकता है कि ऐ अल्लाह मुझे भी माल अता फरमा, रिज़्क़े हलाल वसीय अता फरमा, ताकि मैं भी इस मुसलमान की मानी तेरी राह में माल खर्च करने वाला बन जाऊं। तो ये रश्ट करना इन दो पहलुओं में शरीयत ने जायज करार दिया है। हसद की मजम्मत कुरान और सुन्नत के अंदर बहुत ज्यादा बयान की गई है। हसद करना इंतहाई शर्मनाक पहलू कि आज हम उम्मते मुहम्मदिया कहलाने वाले उम्मते मुहम्मदिया के दावेदार, हमारे मुआशरे के अंदर हसद बहुत ज्यादा पाया जाता है। लेकिन अगर हम शरीयत इस्लामिया का मुताला करें तो शरीयत ये बतलाती है कि हसद करना ये अहले इस्लाम को जेब नहीं देता। हसद करना यहूदियों का फेल है, ईसाइयों का वतीरा है, मुसलमान आदमी हासिद नहीं होता। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह निसा की 54 नंबर आयत में यहूदियों का तذکرہ करते हुए फरमाया, अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुम अल्लाह मिन फज़लि। ये यहूदी हसद करते हैं मुसलमानों पर और ऐसी चीज पर हसद करते हैं जो अल्लाह ने अपने फजल से मुसलमानों को अता की है। यहूदियों को इस बात की बड़ी चिढ़ थी, बड़ा हसद था कि ये इनके नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम की जुर्रियत में से आ गए हैं। अब कयामत तक जो है वो कयादत और सियादत, चौधराहट और बड़ापन, ओहदा और मनसब इस उम्मत को और बनी इस्माईल को अल्लाह ताला ने अता कर दिया है। इस बात पे मुसलमानों पे वो हसद किया करते थे। दूसरे मुकाम पे रब ताला फरमाते हैं सूरह बकरा की 109 नंबर आयत है, वत्ता कसीरुम मिन अहलिल किताबि लौ यरुद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफारा। अल्लाह ताला ने अपने फजल से तुम्हें ईमान की दौलत से नवाजा है, इस्लाम तुम्हारे दिलों में रासिख कर दिया है, लेकिन यहूदियों का वतीरा और शेवा ये है, इस बात की ख्वाहिश रखते हैं हसद करते हुए कि हमारा बस चले, ईमान लाने के बावजूद भी इन मुसलमानों को हम कुफर की जानी मोड़ दें, इनको इस्लाम से मुर्तद कर दिया जाए, ईमान से महरूम कर दिया जाए और ये काफिर बन जाए। हालांकि मिन बादी मा तबय्यन लहुमुल हक, हक बात वाजे हो चुकी है और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक होने को ऐसे पहचानते हैं, यारिफूनहू कमा यारिफून अबनाअहू, जैसे एक बाप अपनी औलाद को पहचानता होता है कि ये मेरी ही औलाद है, ऐसे ही हर शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बाद इस बात का यकीन रखता है कि ये अल्लाह के आखिरी सच्चे रसूल है और ये अपनी साबका कुतुब के अंदर, यहूदी और ईसाई साबका किताबों में आपकी अलामात और आपकी बेसत की निशानियां जो है वो याद कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो हसद उनके दिलों में पाया जाता है। सैयद आयशा रजी अल्लाह तआला बयान करती है सुन्न इब्ने माजा में 856 नंबर रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा हसदतकुम अल यहूद अला शैइन मा हसदतकुम अला सलामी व तअमीन। किसी भी नेमत पर मुसलमानों से यहूदी हसद नहीं करते। सबसे ज्यादा हसद जिस बात पे उनको होता है, सबसे ज्यादा चिढ़ जो उनको चढ़ती है, जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को सलाम बुलाता है। अहले किताब को ये बात गवारा नहीं होती कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को सलामती की दुआएं देता है
और जब एक मुक्तदी अपने इमाम के पीछे खड़े होके बआवाज़े बुलंद आमीन कहता है, यहूदियों को बड़ी चिड़चिड़ती। और एक दूसरी रिवायत में भी जनाबे सईद आयशा रजी अल्लाह तआला ने बयान करती है सही तरगीब तरहीब में 515 नंबर ये रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नहुम लम यहसुदूना अला शैइन कमा हसदूना अलल जुमुअ अल्लती हदान अल्लाह लहा वदल्लू अनहा वअलल क़िबलत अल्लती हदान अल्लाह बिहा वदल्लू अनहा। इस्लाम की आमद से कबल यहूदियों और ईसाइयों को एक अकीदत वाला दिन हफ्ता और इतवार दे दिया गया। अल्लाह ताला ने इस्लाम और अहले इस्लाम के लिए जुम्मा का दिन पसंद फरमाया और इसको एक खुशी का दिन और इसको ईद के कायम मुकाम करार दे दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूदी इस जुम्मा का दिन हमें मिलने पर बहुत ज्यादा हसद करते हैं और दूसरी हसद की वजह यह है कि अल्लाह ताला ने बैतुल्लाह मस्जिद हराम मुसलमानों का किबला बना दिया है और इनको अल्लाह ताला ने उस किबले से महरूम कर दिया। जिस बात का हसद और जिस बात की टसल आज भी इन दिलों के अंदर पाई जाती है। तो हबाबे ग्रामी इन चीजों को बयान करने का मकसद ये है कि हसद करना मुसलमानों का शेवा नहीं है, इस्लाम और अहले इस्लाम को ये जेब नहीं देता। हसद यहूदियों का काम है, हसद करना ईसाइयों का वतीरा है। मुसलमान आदमी कभी हासिद नहीं होता, वो जब भी जरूरत महसूस करता है रब के सामने दस्ते दुआ को दराज करता है, अल्लाह से मांग लेता है। किसी मुसलमान के पीछे हाथ डो के पड़ नहीं जाता कि इसकी नेमत जो है वो जायल हो जाए, इससे खत्म हो जाए, ये मुझे गवारा नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वजह से अपनी उम्मत को इस हराम फेल से मना फरमा दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तहासदु, मेरी उम्मत के लोगों आपस में हसद नहीं करना, वला तबागजु, आपस में बुगज नहीं रखना, वला तजस्ससु, आपस में जासूसियां नहीं करनी, वला तहस्ससु, किसी के ऐब तलाश करने के लिए उसके पीछे नहीं पड़ जाना, चोरी चुपके किसी की कान लगा के बातें नहीं सुननी, वला तनाजशु, किसी भी चीज को खरीदना नहीं है, सिर्फ मार्केट में जाके एक मुसलमान की बै को खराब करने के लिए रेट बढ़ाना, बोली लगाना इस वजह से कि इसकी बै जो है वो खराब हो जाए, इसको महंगे दामों चीज मिले या बेचने वाला ये चीज ना बेच सके। फरमाया ये हरकत ना किया करो। वकूनु इबादल्लाह इख्वाना, अल्लाह के बंदे भाई भाई बन के जिंदगी बसर करो। हासिद आदमी कभी कभार इतना मजमूम गनावना फेल भी कर लेता है कि ये अपने दीन से अपने ईमान से हाथ धो बैठता है। हसद इतनी कभी हरकत है, हसद इतनी बुरी चीज है कि इंसान के ईमान जो है वो दाव पे लग जाता है और कभी कभी इंसान ईमान और इस्लाम के दायरों से निकल जाता है। जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जामे तिर्मिज़ी के अंदर 2510 नंबर रिवायत है, आपने फरमाया कि दब्बा इलैकुम दाउल उममी क़ब्लकुम, साबका कौमों की बीमारियां तुम्हारे अंदर भी आ जाएंगी, अलहसदु वल बगदाउ, उनमें से सरे फहरिस्त हसद है, बुगज है। और आप अंदाजा कर लीजिए कि ये दोनों बीमारियां कसरत से हमारे माशरे में पाई जाती हैं। आपने फरमाया कि हसद और बुगज रखना हियल हालिका, ये काम साफ कर देने वाली है, मूंड के रख देने वाली है, जड़ से काट के रख देने वाली है। आपने फरमाया कि ला अकूलु तहलिकु शार, मैं ये नहीं कहता कि ये बीमारियां जिस आदमी के अंदर आ जाए उसके बाल मूंड देती हैं, वलाकिन तहलिकु दीन, लेकिन हसद और बुगज जिस आदमी के अंदर आ जाता है अल्लाह उस आदमी के ईमान को और दीन को खत्म करके रख देते हैं, वो आदमी ईमान से हाथ धो बैठता है। ये बीमारियां उसके दीन को मूंड के रख देती हैं, कला कमा करके रख देती हैं। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इसका इलाज बयान करते हुए फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदी, मुझे कसम है उस जात की जिस जात के हाथ में मेरी मोहम्मद की जान है, ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तुमिनू, उस वक्त तक तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक तुम कामिल मोमिन न बन जाओ, वला तुमिनू हत्ता तहाबू, और उस वक्त तक तुम कामिल मोमिन नहीं बन सकते जब तक तुम आपस में मोहब्बतें न करने लग जाओ, अफला उनब्बिउकुम बिमा युथबितु ज़ाकुम लकुम, क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल न बतलाऊं जिससे तुम्हारे अंदर मोहब्बतें पैदा हो, जब बाहमी मोहब्बतें बढ़ेगी ईमान आएगा, और जब तुम्हारे दिलों में ईमान रासिख हो जाएगा तो अल्लाह ताला जन्नत की राहें आसान फरमा देंगे। आपने फरमाया कि अफशुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को आम करो, जब सलाम कसरत से करने लग जाएंगे दिल से कोड़ खत्म हो जाएंगे, दिल से बुगज कीना और अदावत और हसद जैसी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, मोहब्बतें परवान चढ़ेंगी, और जब मोहब्बतें परवान चढ़ेंगी दिलों में ईमान पैदा होगा। इससे पता चलता है कि जब किसी दिल के अंदर कोड़ हसद बुगज और कीना पैदा होता है वहां से ईमान रुखसत हो जाता है। हासिद आदमी जो है वो नफ्सियाती मरीज बन जाता है, वो इस बात को गवारा नहीं करता कि देने वाली जात अल्लाह है। अल्लाह अपनी नेमतें अपने बंदों में से किसी पर निछावर करता है। हासिद आदमी नफ्सियाती मरीज है, वो इस बात को हजम नहीं कर पा रहा कि अल्लाह अपनी नेमतें फला फला बंदों पे जो है वो निछावर करे। वो तो इस बात की टो में रहता है कि किसी ना किसी तरीके से इस बंदे से ये नेमत छिन जाए, ये बंदा नेमत से महरूम कर दिया जाए। वो चाहे नेमत बाद में मुझे मिल जाए या मुझे ना भी मिले, कम से कम इसके पास ये नेमत नहीं रहनी चाहिए। शरीयत इस्लामिया ने इसी वजह से ही हसद को हराम करार दे दिया है, और हसद इतना गनावना जुर्म है, इतना बदतरीन और कबीह फेल है तारीख इंसानी के अंदर। जब से अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान का निजाम बनाया है, इंसानों का पैदाइश का सिलसिला जारी किया है, तारीख इंसानी में सबसे पहला कत्ल जो हुआ था वो हसद की वजह से हुआ था। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हाबील और काबील, जिनका तज़किरा रब ताला ने सूरह माईदा की 27, 28, 29 और 30 नंबर आयात में किया, फरमाया कि वतलु अलैहिम नबअ इब्नै आदम बिल हक, प्यारे नबी आप आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों की कुर्बानियों का वाकया अपनी उम्मत को सुनाएं। इस करबा कुर्बानन फतुकबिल मिन अहदिहिमा वलम यतकबल मिन अल आखर, दो भाइयों ने कुर्बानी की, एक और किया कुर्बानी अल्लाह ताला ने कबूल फरमा ली। हाबील नेक आदमी था, खैरखा आदमी था, और उसकी नियत जो थी वो खास थी, नेक और मुत्तकी परहेजगार आदमी था। अल्लाह ताला ने उसकी कुर्बानी को शर्फे कबूलियत से नवाजा। इसके मद्दे मुकाबिल काबिल जो था बददयानत आदमी था, इस जैसी अच्छी सिफात का हामिल नहीं था, उसने भी कुर्बानी की, लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी कुर्बानी को शर्फे कबूलियत से नहीं नवाजा। बस इतनी सी बात पे काबिल के दिल में हसद पैदा हुआ कि हाँ हाँ हम दोनों भाई हैं, दोनों ने कुर्बानियां की हैं, इस आदमी की कुर्बानी कबूल हो गई, मेरी कुर्बानी कबूल क्यों नहीं हुई। ख्याल ये आया कि लअक्तुलन्नक, मैं अपने भाई हाबील को कत्ल कर दूंगा। काबील हाबील ने आगे से जवाब दिया कि इसमें कत्ल करने वाली कोई बात नहीं, इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, अल्लाह ताला का ये कानून है, अल्लाह ताला अमल मुत्तकी लोगों के कबूल करते हैं। बात खैर लंबी है, किस्सा मुख्तसर ये है कि फतवअत लहु नफ्सुहु कत्ल अखी फक़तला फअस्बह मिनल खासिरीन, उसके नफ्स ने उसको उबारा और इतनी सी बात पे अपने भाई को कत्ल कर दिया और कयामत तक जो है वो खसारे का शिकार हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत की दीवारों तक जितने भी तारीख इंसानी में कत्ल होंगे, कत्ल करने वाले कातिल को तो गुनाह मिलेगा ही, लेकिन तारीख इंसानी में कत्ल को सबसे पहले जारी करने वाले काबिल को भी हर हर कत्ल का गुनाह दिया जाएगा।
तो ये बदतरीन घिनौना जुर्म की जो वजह बना वो हसद था, और हसद इतना बदतरीन जुर्म है आसमानों में भी सबसे पहला जो गुना हुआ वो भी हसद उसकी वजह ठहरा। इबलीस ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम से हसद करते हुए आपके सामने सजदाए ताजीमी करने से इनकार कर दिया और कहने लगा कि आना खैरुम मिन, मैं आदम से बेहतर हूं, खलकतनी मिन नार, मुझे आग से पैदा किया गया है, वह खलकता हूं मिन तीन, ऐ अल्लाह इस आदम को मट्टी से पैदा किया है और मट्टी की फितरत है वो नीचे रहती है, पांव में जो है वो रहती है, तो मैं बुलंद हूं, मैं आला हूं, मैं बाला हूं, मैं आदम के सामने ताजीमी सजदा नहीं कर सकता। हसद करते हुए जनाब आदम अलैहिस्सलाम के सामने ताजीमी सजदा नहीं किया और कयामत की दीवारों तक अल्लाह का बागी और नाफरमान ठहरा, अल्लाह का सबसे बदतरीन दुश्मन ठहरा और इंसानों का बिलखसूस मुसलमानों का भी दुश्मन करार पा गया। नौवीं बात यह है कि हसद इतना बदतरीन फेल है, हसद इतनी मोहलिक बीमारी है, किसी आदमी के दिल में हसद पैदा हो जाए तो ये भाइयों की आपस में दुश्मनियां डलवा देता है। मां जाए और एक बाप की जो औलाद होती है आपस में अदावत और दुश्मनी पर उतर आते हैं, और आपके सामने बरादराने यूसुफ का वाकया मौजूद है। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी नेक आदात की वजह से और अपनी खुशकुन सूरत और हुस्ने अखलाक की वजह से अपने वालिदे गिरामी जनाब याकूब अलैहिस्सलाम के बड़ा ही मंजूर नजर थे और वालिदे गिरामी के साथ बड़ी ही मोहब्बत करने वाले थे। जनाब याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ से बड़ी मोहब्बत करते थे, जबकि बकिया भाइयों को यह मोहब्बत गवारा नहीं हुई। दिल में हसद पैदा हुआ, प्रोग्राम ये बना कि अपने भाई यूसुफ को कत्ल कर देते हैं। बड़े भाई ने थोड़ा सा मशवरा दिया और थोड़ा सा हाथ ढीला किया और कहने लगे कि उक्तुलो यूसुफ अभी तराहू अर्दन यखलु लकुम वजहु अबीकुम, या तो यूसुफ को कत्ल कर देते हैं या किसी अंधेरे गुमनाम कुएं के अंदर फेंक देते हैं, तुम्हारे बाप का चेहरा तुम्हारी मोहब्बत के लिए खाली हो जाएगा। तो हसद मुसलमानों के दरमियान अदावत और दुश्मनी का बहुत बड़ा सबब बन सकता है, इसलिए शरीयत इस्लामिया ने हसद को हराम करा दिया है। अल्लाह ताला से दुआ है खालिक व मालिक हमें हसद जैसी लानत से महरूम फरमा दे। रब ताला हमारे दिलों के अंदर प्यार मोहब्बत और इत्तेफाक और इत्तेहाद की जो है फिजा है उसको पैदा फरमा दे। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، حسد کرنے سے بہت سارے نقصان پیدا ہوتے ہیں। हासिद आदमी को कई नुकसानात का सामना करना पड़ता है, उनमें से कई नुकसान ऐसे हैं जो इनफरादी हैसियत रखते हैं, कई नुकसानात ऐसे हैं हसद की वजह से जो इज्तिमाई तौर पर कौम को नुकसान भुगतना पड़ते हैं, हसद के कई नुकसान ऐसे हैं जो इंसान की आखिरत को बर्बाद करते हैं, दुनियावी नुकसानात हैं, कई दीनी नुकसानात हैं, सरसरी सी नजर उन पर भी डालते चले। हासिद आदमी का ईमान जो है वो खतरे में है। सुनन निसाई की रिवायत का मफहूम ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी भी आदमी के एक दिल में हसद और ईमान जमा नहीं हो सकते। तो जिस आदमी के दिल में हसद पैदा हो गया है, समझे कि मेरा ईमान अब जाने वाला है, उसको अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए। हसद से खैर चली जाती है और शर लाजिम आती है। तरगीब तरहीब की जिल्द नंबर 3 में यह रिवायत मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग उस वक्त तक खैर पे कायम रहेंगे जब तक उनके अंदर हसद मौजूद ना होगा, और
हसद मुआशरे के अंदर जादू को परवान चढ़ाता है, बड़े लोगों के कारोबार का ठप्पा लग जाता है, बड़े लोगों की सेहत बर्बाद हो जाती है, रिश्तों में दरारें पैदा हो जाती हैं। वजह क्या है? हसद है। और हासिद आदमी महसूद को जादू के जरिए से शिकार करने की कोशिश करता है, और जादू करना कुफर है, जादू करने वाला काफिर हो जाता है। तो गोया कि हसद में मुबतला होकर इंसान दारा ईमान से खारिज हो जाता है। उसके दुनियावी नुकसान भी बहुत सारे हैं। हासिद आदमी उसके ताल्लुकात कभी भी खुशगवार नहीं रह सकते। हासिद आदमी के ताल्लुकात कभी भी खुशगवार नहीं रह सकते। दूसरे नंबर पे हासिद आदमी दूसरों का एहतराम नहीं कर सकता, जिसकी वजह से लोग भी उसको एहतराम और मोहब्बत नहीं देते। चौथा नुकसान ये है कि हासिद दूसरे माशरे के लोगों के लिए मुसलसल बाइसे अजाब रहता है। ना तो वह खुद हंसता मुस्कुराता जिंदगी बसर करना चाहता है, ना लोगों की खुशी उसको गवारा होती है, इसलिए वो मुसलसल मुआशरे के लिए दर्द सर बना रहता है। हासिद आदमी खुद पर, अपनी जात पर अल्लाह के फजलो करम को महसूस ही नहीं कर सकता, सिर्फ वो लोगों से जलता रहता है, अपने ऊपर अल्लाह ने क्या करम नवाजियां की है नजर ही नहीं डालता। और छठी कबाहत यह है कि हसद की वजह से कता ताल्लुकियां होती हैं, रिश्ते नाते टूट जाते हैं। हासिद की नजर जो है वो इतनी बदतरीन होती है, किसी भी शख्स को हासिद की नजर लग सकती है। और हासिद आदमी जो होता है अपने हसद की वजह से मुआशरे में अपना एतमाद खराब कर बैठता है, हसद से बद अखलाकी पैदा होती है, इल्जाम तराशियां बहतान बाजियां जन्म लेती हैं। और हासिद आदमी से किसी की ना जान महफूज है, ना किसी की इज्जत महफूज है, ना किसी का माल महफूज है। इसलिए अल्लाह ताला ने हसद को दुनिया के अंदर भी हराम कर दिया है, और रब ताला ने अहले जन्नत के दिलों से भी हसद बुगज और अदावत और कीना जैसे जरासीम खत्म कर दिए हैं, ताकि वो जन्नत में दाखिल होने के बाद जन्नत की हकीकी खुशियां जो है उनसे दोबाला हो सके। रब ताला हमें हसद जैसी लानत से महफूज फरमाए। अहबाब से गुजारिश है कि वक्त की पाबंदी किया करें, बकिया हिस्सा इंशाल्लाह।